का ये है मुस्लिम पक्ष ने मुस्लिम पक्ष ने मंदिर को खंडित कर दिया। ये कार्रवाई लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो हाथ से हारा प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी देव प्रतिमाएं तोड़ देते हैं, कभी होली दिवाली त्योहार होता है तो होली पे पहले से आग लगा देते हैं, चिंता करते हैं और कभी भी कोई कार्य होता है आगे नहीं बढ़ने देते। इस वक्त उन्होंने इसकी हद पार कर दी है, पूरा मंदिर तोड़ दिया। प्रशासन सुनते हुए तैयार नहीं है। हमारे पास सबूत है, हमारे पास आधार है, वो लोग पुलिस के मुखबर है। पुलिस उन्हें कहां पहुंचा रही है? बागरगंज 1 लाख की आबादी है, वहाँ मुसलमानों की मात 40-50 हिंदू। अब एक बात बताओ, वहाँ पे हिंदू क्या कर लेगा? 5-6 साल से लोग अच्छे ज्यादा परेशान है। प्रशासन खुद चाहता है कि हिंदू मुस्लिम लड़के मर जाए वहाँ पे। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? कार्रवाई अगर नहीं होगी, 1 महीना हो गया ऐसो किला, उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया था, हमने 10 दिन दिए। सीओ LIU सेकंड जो है उनसे हमने 3-4 बात की, उन्होंने जब टहलाया। हम मात्र यहाँ पे 4 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 4 घंटे में अगर सुनवाई नहीं होती है, हमारे यहाँ से कोई भी एक या कई लोग बैठ के यहाँ आपदा करेंगे। इसका कारण है, यह मेरे घर की लड़ाई नहीं है, इनके घर की लड़ाई नहीं है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। पर हमारी धार्मिक भावना है, इतना गवर्नमेंट होने के बाद भी अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो इसका मतलब हमें लग रहा है हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें हमारी नागरिकता खत्म कर दो, यह हमें हमारी नागरिकता। और आज तक पहली बार अब हमने थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन किया है। 1 महीना हो गया बात का, वो है प्रशासन के पास। 1 महीने में कोई सुनवाई नहीं। एक मिनट, क्या नाम आपका? क्या मांगा बताओ, क्या मामला है? मेरा मामला है, मैं 1 महीना हो गया मंदिर टूटा है, मेरा पूरा मंदिर खंडित पड़ा है। मेरा नहीं, पूरे समाज का मंदिर है, ठीक है। मैंने आके यहाँ ज्ञापन दिया, SSP ऑफिस में भी दिया था, ठीक है, यहाँ जिला अधिकारी को भी दिया था। लेकिन मेरा क्या है, किसी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका आदेश जाता है लेकिन जिला थाना है तो प्रशासन हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। ऐसे ये लोग मिले हुए प्रशासन नहीं सुनता, फिर क्या करेंगे? इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी रहमत हुसैन को रात ऐसो साहब ने बुला लिया और बिठा लिया। सारी लिस्ट में नाम है। 7 तारीख के लिए मैंने मंदिर पे मुस्लिम पार्टी मेरे साथ गई थी, गवाही देने को तैयार थी। ये लोग हैं, मंदिर इन्होंने तोड़ा है, लेकिन ऐसो साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। इतना ठीक है कि मेरे पास वीडियो भी है, पत्रकार खड़े हैं, इनके पास वीडियो। हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हकीकत तो ये, रात रियाजुद्दीन भैया को मैंने फोन करके बुलाया, ऐसो साहब अपनी कुर्सी से उठे, हट जाइए, और इनको खदेड़ दिया रख के बहुत दूर तक। सिपाहियों से कहा इनका मोबाइल ले लो, इनका मोबाइल ले लो। अगर सच्चाई कड़वी लग रही थी ना, हम सच बोल रहे थे। अगर आप में कहीं से मतलब कुछ कमी नहीं थी, किसी तरह की कमी नहीं थी, मेरे पत्रकार को क्यों हटाया वहाँ से? आज उस पत्रकार के साथ हुआ, कल के और किसी के साथ हुआ। जब हम उन्हें बेगना दे रहे हैं, उसके बाद वो लोग उन्हें क्यों बचा रहे हैं?